उचवा स्थित एक निजी मैरिज हाउस में रविवार को तहरीक दावत इस्लामी हिंद की ओर से हज ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। मक्का व मदीना शरीफ में इबादत, ज़ियारत व ठहरने का तरीका, हज के फ़राइज, हज के 5 अहम दिन व हज का अमली तरीका बताया गया। शहर और देहात से आए सैकड़ों लोगों ने हज के अरकान की बारीकियों को बताया गया। हज यात्रियों को घर से रवाना होने से लेकर लौट कर आने तक के सारे मसलों और आने वाली समस्याओं और उनके हल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। ट्रेनिंग में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ट्रेनर हाजी आजम अत्तारी ने बताया कि हज में 7 चीज़ों की अदायगी पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होती है जो हज के फ़र्ज़ कहलाते हैं। इस मौके पर मोहम्मद फरहान अत्तारी, शम्स अत्तारी, हाजी शमशुद्दीन अत्तारी, रमज़ान अत्तारी, रिजवान अत्तारी, अब्दुल रहीम अत्तारी, इकबाल आलम, नदीम कादरी, मोहम्मद शादाब अहमद, फैज़ अहमद सहित बड़ी संख्या में हज पर जाने वाले इस्लाम धर्म के अनुयायी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए तहरीक दावत इस्लामी हिंद हज मुबलिगे दावत इस्लामी के मोहम्मद फरहान अत्तारी ने बताया, ये अंदाज अलग, ये मखसूस अंदाज है। किबले की तरफ हथेली होगी, देख लेंगे ये किबला है, ये हथेली होगी, अब दुआ करेंगे। फिर मजले के पास आएंगे, 7 कंकड़ इससे भी रशीद करेंगे और इस मरदूत के बहकावे में नहीं आना है ये नियत करेंगे और फिर हट के बगल में दुआ करेंगे। मगर दुआ करते वक्त कोशिश कीजिएगा कि भीड़ से हट के करें ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है। फिर बड़े के पास आएंगे, इसको भी 7 कंकड़ मारेंगे, इस मरदूत को मार के फिर ये नियत करेंगे कि इंशाल्लाह मैं इसके बहकावे में नहीं आऊँगा और नफ्स अम्मारा के बहकावे में और साथ ही शैतान के बहकावे में भी नहीं आऊँगा। और फिर दुआ करेंगे, तीनों को मारा, दुआ किया, वापस पलटा, मीना अपने खेमे में चला आया। अमीन की भी यही सीरियल से, यही कैफियत, यही तरीका, ठीक है। ये रमी करते हुए हम फारिग हो लेंगे 12वीं की रमी करने के बाद से। अब आपको 11वीं 12वीं की रमी हो गई, अब आप अदा कर लिया अरकाने हज, तकरीबन अब एक बचा हुआ है और वाजिब है वो तवाफ विदा, यानी कि हम विदा होते वक्त जा मक्का को पूछ करते वक्त मक्का मुकर्रमा जाद अल्लाह शरफ व तअज़ीमन, हम हिंदू वालों पे वाजिब है, ठीक है। ये अब तवाफ विदा का के ताल्लुक से मैं अर्ज करता चलूं, तवाफ विदा तो हमने कर ली, अब हमें 2-3 दिन और रहना, तो क्या आप तवाफ नहीं करेंगे? बिल्कुल तवाफ करें। वो मान लिया गया तवाफ विदा आपका हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम 10-20-50 तवाफ कर सकते हैं, नफली तवाफ करें या वाजिब तवाफ करें, तवाफ में वही अहकाम है जो कि मैंने अर्ज की, 7 चक्कर, 8 इस्तलाम, 2 रकात नमाज। मेरा नाम फरहान अत्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, हमारी हिंद नईमी काबीना ये 5 ज़िलों पर मुश्तमिल है, तो 5 ज़िलों पर जो भी अपने काम होते हैं, दावत इस्लामी की सरगर्मियाँ होती हैं, तो उसको देखना, उसको मैनेज करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी ये दुनिया के 200 मुल्कों में दीन मदीन की खिदमत कर रही है। इसके तकरीबन 103 से ज़ायद डिपार्टमेंट यानी विभाग हैं, जिसका एक शोबा है मजलिस हज जो उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, मजलिस हज जो उम्रा के तहत आज गोरखपुर में हाजियों की तरबियत का सिलसिला रखा गया है, हाजियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इसमें तवाफ़ करने का तरीका, सई करने का तरीका और हज के शराइत फ़राइज़ वाजिबात और इसके अलावा सुन्नत मुस्तहबात और बहुत सारी एहतियातें भी बताई जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, इसके अलावा दावत इस्लामी के तहत दुनिया भर में जो है हुज्जाज-ए-इकराम की तरबियत का सिलसिला होता है।